तो गाइस अगर आप भारत के सबसे खौफनाक जगह की बात करते हैं, भूतिया जगह की अगर बात करते हैं, तो नंबर एक पे कुलधारा गांव आता है। आप चाहे तो गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। कुलधारा गांव राजस्थान में पड़ता है और ये गांव आज भी कालो नाम के एक चुड़ैल के दहशत में है। जो चुड़ैल कहा जा रहा है, ये चुड़ैल एक पहले डायन हुआ करती थी, जो कि आगे हम एक कहानी में पढ़ेंगे। वैसे 200 साल से इस गांव में कोई रहता नहीं है, लेकिन कहानी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि इस चुड़ैल ने 18वीं शताब्दी में कुलधारा गांव के अंदर अपना आतंक फैला रखा था और अमर होने के लिए इस गांव के जवान लड़कियों को मारकर उनकी बलि चढ़ाती थी। इसके बाद कालो चुड़ैल के आतंक से गांव वाले ने अपनी जवान बेटियों, अपनी लड़कियों को घर से निकलने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तब गांव वाले ने मिलकर कालो से चुड़ैल से बचने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली और इस चुड़ैल को पकड़कर रेतीले रेगिस्तान में मारकर दफना दी। लेकिन असली मुसीबत तो इसके बाद आई, जिसकी वजह से आज भी ये गांव वीरान है, जहां कोई आता जाता नहीं है। यहां के रहने वाले बुजुर्ग के अनुसार कालो फिर से इस गांव में आ चुकी थी और इस बार भी वो ज्यादा खतरनाक होकर आई थी, जिससे उसे कोई भी नहीं मार सकता था। फिर उसने पूरे गांव से एक एक करके बदला लेना शुरू कर दिया था और इस चुड़ैल के डर से गांव वाले ने कुलधारा गांव को एक ही दिन में खाली कर दिया था। एक ही दिन में खाली कर देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि खौफ कितना बढ़ चुका था। कुलधारा गांव जाने वाले रास्तों को भी सारे गांव वाले मिलकर बंद कर चुके थे, ताकि कोई वहां से आ ना सके, ना कोई वहां से जा सके। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आजकल कोई इस डरावनी कहानियों का सहारा लेकर अवैध काम करता है और इन गिरोह ने ही इस कहानी को इतना प्रचलित किया है, ताकि कोई भी इस गांव में ना आ सके। कालो चुड़ैल के ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, जिसका नाम कालो ही है, और यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। अगर आप चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं, आपकी सारी कंफ्यूजन भी दूर हो सकती है। वैसे आज लगभग 250 साल से भी अधिक हो चुका है समय, लेकिन फिर भी कुलधारा गांव आज भी भारत के डरावनी जगहों में से नंबर वन पर ही है। कहा जाता है कि कालो आज भी इस वीराने और खंडहर हो चुके कुलधारा गांव में भटकती है और जो भी इस गांव में जाता है वो लौट के नहीं आता है। तो गाइस, क्या आप भी इस गांव को घूमने की इच्छा रखते हैं या फिर इस गांव को अपने आंखों से देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें कि आपकी इसमें इच्छा क्या है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।